तो प्लीज। तो गाइस यार आज मैं दोबारा खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज। तो गाइस यार वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस यार आप देखो मैं अभी डायमंड माइन कर आया हूँ माइनक्राफ्ट में, जिसमें मुझे मिली थी सिर्फ 6 और शुरू में ही मिल गई थी तो मैं ऊपर आ गया। मैं अभी तो सिर्फ लावा लेने गया था भाई। यार मेरे दिमाग में आया जो मैं सोल सॉइल नेदर से लाया हूँ वो सोल सॉइल जो मैं लाया हूँ, यस गाइस सोल सॉइल। और मैंने एक अपने शुरू मतलब हार्डकोर की स्टार्ट में मैंने एक वांडरिंग ट्रेडर से आइस ट्रेड करी थी, तो मैं उससे बना सकता हूँ बेसल्ट जनरेटर। तो गाइस यार अभी मुझे बेसल्ट जनरेटर बनाना है और मैंने अपने कैसल में कुछ काम करा है, ये देख सकते हो मैंने इधर मिक्सचर कर दिया है, ये देखो स्टोन ब्रिक स्टोन और इन सब चीज़ों का, और ऊपर का फ्लोर अभी रह गया है, ये मैं कंप्लीट कर लूँगा ऑफलाइन। तो गाइस यार आज की वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ AFK फिश फार्म। तो गाइस यार उसके लिए मुझे चाहिए होंगे थोड़े बहुत रिसोर्सेज जो मैं बनाने वाला हूँ कॉन्क्रीट से। यार मुझे पता है वो थोड़ा बहुत अगली लगने वाले, लेकिन फिर भी मैं उसमें थोड़ी सी डिजाइन कर दूंगा। तो यार अभी आप ये देख सकते हो ये मैंने मेरे दोस्त से थोड़ा सा डिजाइन करा था जब वो मेरे वर्ल्ड में आया था और आधा दूरा छोड़कर चली गया, इसे मैं अभी कंप्लीट करने वाला हूँ। और आप ये देख सकते हो मेरे पास है ये आइस और मेरे को दूनी है सोल सॉइल और फिर एक लावा की बकेट तो मैं ले आया ही हूँ, उससे मैं बनाऊंगा बेसल्ट जनरेटर। तो गाइस यार मुझे सोल सॉइल तो नहीं मिली, लेकिन मैं यहाँ से निकाल लूँ या मैं कुछ और रख दूंगा। अभी मैं थोड़े बहुत बेसल्ट माइन करके यहाँ वापस से सोल सॉइल लगा दूंगा या फिर मैं दोबारा नेदर से जाके ले आऊँगा। बहुत इजी तो काम है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्योंकि भाई मेरे पास है फायर रेजिस्टेंस का पोशन और फायर रेजिस्टेंस का आर्मर, मतलब मेरे पूरे आर्मर पे लगा हुआ है। तो गाइस यार अभी मुझे एंडर ड्रैगन मारने जाना है, मुझे पता है आप लोग हाजिर हो गए, क्योंकि यार अभी मैं प्रोटेक्शन का आर्मर बनाऊंगा फिर नेदर में क्यों बोल रहा हूँ एंड वर्ल्ड में जाऊँगा, और फिर जो फायर प्रोटेक्शन वाला आर्मर होगा ना तो वो मैं नेदर में लटका दूंगा, जैसे ही नेदर में जाऊंगा वो पहन के चली जाऊंगा। तो यार अभी मेरे को वो ढूंढना है यार कहाँ है सोल सॉइल, किधर है यार सोल सॉइल, गाइस मिल ही नहीं रहा मुझे यार, मैं वहीं से निकाल लेता हूँ, मतलब मैंने गाइस निकाला है वहां से तो वही लगा देता हूँ। मैं सोच रहा था कि यहाँ से शायद मिल जाए, भाई मेरे पास बहुत सारा था, तो अभी मैं यहाँ सोल सॉइल से बना देता हूँ। तो मुझे पता नहीं है वो कैसे बनता है, मैंने अपनी नेदर स्काई ब्लॉक की सीरीज में मैंने बनाया था, तो यार ये कैसे बनता है यार। तो गाइस यार जहाँ तक कि मुझे पता है बीच में हमें डालनी होगी सोल सॉइल, इधर आएगी आइस और उधर आएगा लावा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यही वाली आइस चाहिए होती है या दूसरी वाली आइस चाहिए होती है या सोल सैंड चाहिए होती है या सोल सॉइल, मेरे पास दोनों हैं लेकिन आइस सिर्फ एक ही है। फिंगर क्रॉस गाइस, सो होप करते हैं गाइस ये इसी यही वाली आइस से बन जाए। और भाई अभी मैं सोने चली जाता हूँ, और गाइस यार मेरे जूतों पे जो है ना क्या कहते हैं फेदर फॉलिंग भाई वो इतना काम करती है, मैं कासल से भी कूदूंगा और भाई अभी देखो पट्ट से हेडशॉट मारूंगा स्लीपर के, ये पट्ट से हेडशॉट भाई गया एक ही शॉट में गया स्लीपर। तो यार फेदर फॉलिंग में अपने कासल के ऊपर से कूद गया भाई, मेरे को आधा हर्ट भी नहीं खाया मेरा। तो अभी हम इधर सोल सॉइल लगा देते हैं और इधर एक और ब्लॉक होते हैं भाई, होप करते हैं ये बन जाए भाई, मुझे तो डर ही लग रहा है कुछ और ना बन जाए। तो इधर आइस रखते हैं यार, अब मैं तोड़ भी नहीं सकता, अरे हाँ मेरे पास तो सिल्क टच है। ओ भाई फाइनली हमारा बन चुका है बेसल्ट जनरेटर, हमें नहीं जाना पड़ेगा बार बार नेदर में। और भाई यार ये बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, और भाई यार देखो मैं इस सिल्क टच वाली से खोदता हूँ, इनमें एफिशिएंसी 3 है और उनमें तो एफिशिएंसी 4 है। ओ भाई 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 कितनी तेज तेज छूट रहा है। तो गाइस यार जो जो वीडियो बनाया है यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब यार हम 27,000 सब्सक्राइबर का बहुत ही ज़्यादा करीब है, और इस वीडियो पर लाइक गेम रखता हूँ मैं 500 लाइक गेम का, तो जल्दी से पूरा कर देना। तो यार अभी देखो मैं 64 बेसल्ट कलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत पड़ा हुआ, मैं 64 नहीं करता अभी, मैं इतना टाइम नहीं है अभी मुझे, क्योंकि कॉन्क्रीट भी जमा करनी है और मैं आइस के ऊपर ये लगा देता हूँ, वरना गलती से मेरे से आइस टूट गई तो टूट गई, वापस कौन लेगा यार, मतलब ट्रेडर क्या पता स्पॉन हो या ना हो। इधर भी मैं लावा के ऊपर लगा देता हूँ क्योंकि मेरा घर ना जल जाए इसके। तो गाइस यार अभी हम चलते हैं कॉन्क्रीट ग्राइंड करने, मुझे जितना पता है मेरे पास थोड़ी सी कॉन्क्रीट रखी हुई है। तो गाइस यार अभी देखो यार मेरे पास कॉन्क्रीट नहीं थी तो मैं दोबारा सैंड माइन करने आ गया, लेकिन मेरे पास ग्रेवल 64 और भाई मैं ग्रेवल इस चावल से तोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि इस चावल में फॉर्च्यून 3 मुझे हर ग्रेवल से एक फ्लिंट मिलेगी, तो ग्रेवल तो मेरे पास शुक्र है 64 है, वरना मेरे को बहुत टाइम लगता वरना नई चावल बनानी पड़ती। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इस चावल को छोड़ के मैं सिल्क टच की नई चावल बनाऊँ, इस पर आपकी क्या राय है यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई यार हमारा मेंबरशिप का बटन ऑन हो चुका है यार, जो जो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है यार कर लेना। तो यार अभी हम ऊपर चलते हैं और इतनी सेंट ठीक हो गई, थोड़ी सी और माइन कर लेता हूँ, मतलब ग्राइंड कर लेता हूँ। तो गाइस यार अभी मार्केट में एक नया डिजाइन आया है वो बनाने वाला हूँ मैं, वो वाला एफके फिश फार्म नहीं बनाने वाला जो कि हर बंदा बनाता है, ये मैं नया एफके फिश फार्म बनाने वाला हूँ, और ये मैं बना रहा हूँ अपने एक्सपी फार्म के सामने। जिसने मेरी एक्सपी फार्म वाली वीडियो नहीं देखी यार जल्दी जाके देख लो, बहुत अच्छी थी, और अगर आपको भी बनाना है तो आप भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपी देता है ये, और ये बहुत अनलिमिटेड एक्सपी देता है, बस निकालते रहो वो देता रहेगा। और मुझे ऐसे 5x5 की बना लेनी है, अभी मैं गिन लेता हूँ कि 5x5 है ना अंदर, क्योंकि 5x5 एक लास्ट रेंज होती है
जिसके अंदर ट्रेजर लूट मिलती है 5, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, हाँ गाइस ये भी इतना 5 5 है, ठीक है। और अभी हमें ऊपर भी 5 ब्लॉक जाना है, 2, 3 हो गया, 4 और ये 5, ऐसी हमें सारी जगह करना है। मैं होप करता हूँ कि मेरी कॉन्क्रीट खत्म ना हो। और अभी हम यहाँ भी लगा देते हैं, मुझे लग रहा है मेरी कॉन्क्रीट खत्म हो जाएगी। और जिस जिसके पास कंटेंट आइडिया यार, मतलब हार्डकोर में क्या बनाऊँ, आप कमेंट करके बता देना सस्ते कंटेंट आइडिया। यस तो यार मेरे पास बोन तो बहुत है, मेरा मतलब होगा ही। हाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, जब मैं अपने कैसल में ऑफलाइन काम कर रहा था तो मुझे मिले थे 2 वुल्फ स्पॉन हुए थे मेरे कैसल के अंदर, तो मैंने उन्हें ही मतलब टेम कर लिया 2 डॉग को। अब मेरे पास टोटल 3 डॉग हैं। और गाइस यार अब मैं बनाने वाला हूँ अपनी डॉगों की आर्मी, डॉग्स की आर्मी, नेदर में बिठा दूंगा पूरे नेदर फोर्ट्रेस में, लॉल। तो जब भी नेदर फोर्ट्रेस में जाऊँगा पूरी डॉग की आर्मी लेके जाऊँगा, कोई अटैक करेगा भाई बंदा पीछे लग जाएगा। और भाई यार जहाँ मेरे नेदर फोर्ट्रेस में स्केलेटन बहुत स्पॉन होते हैं भाई, जीना आराम कर देते हैं। और गाइस यार अभी देखो इतना बन चुका है, अभी हमें बनानी होगी इन्फिनाइट सोर्स ऑफ वाटर और फिर पूरा में डाल देनी होगी। अरे यहाँ क्यों लगा दिया मैंने रेडस्टोन, तो इधर वाटर डालते हैं और दूसरी वाटर लेकर आते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ऊपर से डायरेक्ट क्यों नहीं डाल रहा, अगर हम ऊपर से डालेंगे तो वो सोर्स ब्लॉक नहीं बनेगा, और जब वो सोर्स ब्लॉक नहीं बनेगा ना तो फिर वो अभी ही कहाँ से एंडरमैन स्पॉन हो गया, तो वो लूट नहीं देगा ट्रेजर लूट, ऐसी हल्की फुल्की लूट मिलेगी। ट्रेजर लूट के लिए हमें सोर्स वाटर चाहिए होता है। तो गाइस यार अभी देखो अभी सैंड है, तो मैं सैंड से यार बहुत मुश्किल होगा यार ये बनाना, तो सैंड में इसे इधर ये एक वो बना लेता हूँ इनफिनाइट वाटर सोर्स। तो गाइस यार देख सकते हो यार अभी हम लोगों को ऐसे करके बनाना है यार, पहले मैं 2-3 ब्लॉक ऊपर चली जाता हूँ ताकि मतलब वाटर मुझे धकेल ना दे, और बिल्कुल वाटर सोर्स बनाना है तो इनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अगर हम ऐसे साइडों में डालेंगे तो वो अपने आप वाटर सोर्स बन जाएगा, तो ये तो अनलिमिटेड वाटर है, अब तो मुझे वाटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली, और मैं फिशिंग भी यहीं से करूँगा। और ये देखो अभी उधर डाल देते हैं, इधर भी डाल देते हैं, इधर भी डाल देते हैं, इधर भी डाल दो, इधर भी, यस। तो ओ भाई 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 ये क्या होगा, वहाँ से कैसे आ गया वाटर। तो गाइस ये हो चुका है अपना पूरा वाटर सोर्स, और भाई मैं ब्लॉक लगा क्यों नहीं पा रहा, अब लग चुका है। अरे ऊपर चल रहे, तो यार अभी मैं ऊपर ये, अरे ये पूरा हो गया, तो मैं अब ऊपर आ जाता हूँ और ये शवल से सारा तोड़ देता हूँ। भाई कुछ और ना टूट जाए, मेरा मतलब डट ना टूट जाए। अरे यार टूट ही गई यार, मुझे पता था ये ना। तो अभी हाँ ठीक है, हो गया है हमारा सारा, सिर्फ ऊपर ही ऊपर वाटर डालना है, एक इधर डाल दो इधर। तो हाँ गाइस पूरा वाटर सोर्स हमारा बनने ही वाला है, ये सब जगह डाल दिया ना भाई, इधर भी। ओ भाई हमारा वाटर सोर्स बन चुका है, मैं अंदर जाके देख लेता हूँ कैसे, ऐसे कर देता हूँ अगर कहीं छुटा होगा तो वहाँ भी आ जाएगा वाटर सोर्स। तो देखो मैंने निकाल के डाल दिया, और भाई यार आप बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। तो गाइस यार अभी हमें चेस लगाने होंगे इधर और एक इधर, और इसके ऊपर हमें इसके साइड में हमें लगाना होगा एक हॉपर। तो यार भाई यार कैसल मेरा बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा यार और मैं अपग्रेड क्या करूँ, आप कमेंट करके बता देना। और भाई हाँ ये रहे मेरे 2 हॉपर, और इधर हम 2 हॉपर लगा देते हैं, और इसके ऊपर मुझे चाहिए होगी माइनकार्ट एंड हॉपर यार, वो भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए रेल भी बनाना पड़ेगा। भाई कितना अजाब, भाई कितनी अजाब दुनिया हुई है मेरी। तो गाइस यार अभी देखो अभी हमें इसके ऊपर लगानी है रेल, अरे तो गलत लगा दिया हमें इसके ऊपर पहले कोई होल्डर ब्लॉक लगाना है, उसके ऊपर लगानी है रेल, उसके ऊपर डालनी है माइनकार्ट, उसके फिर ब्लॉक को देना है तोड़, तो इसके ऊपर हम डाल देते हैं। अबे ये गलत हो गया यार, अरे उधर जा, अरे अब इधर निकल गई, अरे उधर जा उधर, अरे क्या हो गया, अरे छोड़, ओ भाई एक हिट में टूट गई, वाह भाई वाह। तो गाइस अभी हम इसे उठा लेते हैं, अबे आई नहीं, अरे क्या हो गया, अरे अच्छा अलग तो मैं दोबारा बना लेता हूँ। अरे ऐसी अबे क्या कहीं कहाँ नहीं यार, क्या हो रहा है ये, कुछ भी हो जा रहा है गाइस। तो अबे भाई साहब, तो गाइस यार अभी देखो अभी यार मुझे थोड़ी क्राफ्टिंग टेबल बनाने दो, क्राफ्टिंग टेबल मेरी बन चुकी है, और अभी इधर हम क्राफ्टिंग टेबल लगा देते हैं, और इसके ऊपर अभी हमें बनाना है स्लैब और स्टेयर्स। तो अभी स्लैब उस स्लैब में पास नहीं थे, तो अभी मैं इधर एक स्लैब लगा देता हूँ, और अभी मुझे बनानी होंगी स्टेयर्स, और अभी एक लावा भी डालना होगा मुझे अंदर। तो गाइस यार अभी देखो अभी हमें लगानी है ये ताकि हमारे लावा का फ्लो नीचे ना जाए। अभी गलत लगा दिया, अरे हटो। हाँ तो अभी हमें ये तोड़नी होगी, मैंने गलत लगा दी है। तो अभी हमें मुझे लगानी है उधर माइन कार्ट के, हाँ गाइस ऐसे लगानी है ताकि लावा नीचे ना जाए और माइन कार्ट को तबाह ना करे, और फिर जब हम लावा डालेंगे तो जो सामान होगा ना वो जलेगा भी नहीं। और मुझे नहीं पता इस बंदे ने लावा क्यों डाला है, शायद पकड़ने के लिए डाला है, लेकिन मुझे नहीं पता लावा क्यों डाला है इसने। तो यार अभी मैं लावा ले आता हूँ, तो इधर मैंने लावा डाल चुका है, अब मुझे डालना है यहाँ साइन, मतलब मुझे ये लगाना है, मुझे पता भाई हाँ इसने ये इसलिए लगाया चेस्ट और इसके ऊपर डालना है वाटर अबे डल जा। हाँ अबे नहीं एक चीज़ गलत कर दी मैंने,
हाँ तो गाइस यार देखो मैंने लगा लिया है इधर साइन भाई, इसने इधर इसने लगाया है। जब भी हम फिशिंग करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारी फिश आ जाएगी, हमें वो फिश के बटन पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, वरना क्या होता है मिस हो जाती हैं। अभी मुझे यहाँ से लावा उठा लेना है अपना जो मैंने इधर कैप्चर करा था इसके लिए। तो अरे ऊपर चढ़ अच्छी कहाँ गाइस, मैंने ऑटो जंप ऑफ करी हुई इसलिए नहीं चढ़ रहा ये। तो अभी हमें इधर लावा भी डाल देता हूँ। और गाइस यार अभी मेरा ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, अभी मुझे इधर सिर्फ स्टेयर्स बनानी है। तो गाइस यार अभी देखो, अबे यार इधर ग्राउंड है यार भाई, ट्राइडेंट दे दे मुझे, लूटिंग थ्री है भाई फिर भी ट्राइडेंट नहीं देता, और यार बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। तो गाइस यार अभी मुझे पकड़नी है फिश अपनी बकेट में, फिश जो है ना, फिश से अगर हम फिश अपने उसमें डालेंगे तो हमारा लक इंक्रीज हो जाएगा, ये मेरे को उसने बताया और हो भी जाता है क्योंकि फिश डालते हैं तो अब लक जो होता है ना इंक्रीज हो जाता है, मतलब फिशिंग का लक। अरे यार फिश आ जा, और भाई मैं तीन फिशेस ओ आ गई ऐसी, मैं तीन फिशेस पकड़ के डालूंगा उसके अंदर। तो गाइस यार मेरा बन चुका है पूरा एफके फिश फार्म कंप्लीट हो चुका है। इसी बात पे यार आप कर दो लाइक, और ये देखो यार मैंने तो ये इसलिए लगाया है, ये देखो ये ऑटोमेटिकली फिश कलेक्ट कर लेगी। और भाई लावा इसने क्यों लगाया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन लावा ये आइटम को जलाता नहीं है, ये एक हॉपर में स्टोर कर देता है और भाई फिश ऑटोमेटिकली आ जाती है, मेरे को फिश पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होती। यार सोच रहे एफके कैसे है भाई, आप 15 सेकंड का टाइमर लगाओ और उसकी क्लिक को फिश के ऊपर रख दो, जैसे 15 सेकंड होंगे वो फिश पे क्लिक कर देगा मतलब। तो भाई ये बहुत अच्छा है, मतलब मैं आपको बता नहीं रहा, आप ऐसे खुद ब खुद खड़े खड़े भी कर सकते हो, आपको फिश पे बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार क्लिक करो। मैं इसे तोड़ देता हूँ आपको दिखाने के लिए, आप इसको एक बार क्लिक करो। और भाई यार ये डिज़ाइन है जेसी प्लेस का, मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा, तो यार आप उसकी वीडियो जाके देख लो भाई, वो बहुत अच्छी फार्म बनाता है। वैसे उसके मेरे डबल ट्रिपल सब्सक्राइबर हैं इस गाइस, तो यार आप देख सकते हो मेरे पास आ चुकी हैं बहुत सारे फिशेस। हाँ तो गाइस यार ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अबे ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरा कैमरा ऊपर कहाँ चली गया, लॉल अबे कहाँ जा रहा है कैमरा भैया मेरा। हाँ तो गाइस यार ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, लाइक करो अबे भाई क्या हो रहा है ये। हाँ तो गाइस यार ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई यार लाइक करना नहीं भूलना, और अगर आप मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हो तो यार ज़रूर ज्वाइन करना, बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे आपको। तो बाय बाय।